हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, डेली मार्केट अपडेट की प्रक्रिया में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उसके पहले आज ओवरऑल मार्केट का अवलोकन करते हैं, क्योंकि आज ऑप्शन चेन के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी हुई है। दोस्तों, तो दोस्तों निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 0.44% की बढ़ोतरी से ये ग्रीन में क्लोज हुआ। इसके दोस्तों 50 स्टॉक्स में से 28 स्टॉक्स ग्रीन में थे, जबकि 22 स्टॉक्स ऐसे थे जो बेरिश थे। और दोस्तों निफ्टी जूनियर ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को, और ये इंडेक्स 0.76% की बढ़ोतरी के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ। इसके दोस्तों 32 स्टॉक्स ग्रीन में, 18 स्टॉक्स जो थे वो रेड में क्लोज हुए। मिड कैप इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो आज मिड कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट क्लोज हुआ और 0.13% की बढ़ोतरी केवल दर्ज की गई। इसके 28 स्टॉक ग्रीन में थे, जबकि 22 स्टॉक रेड में क्लोज हुए। चलिए दोस्तों बैंकिंग स्पेस में देखते हैं। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ दोस्तों, सिर्फ 0.09% की गिरावट इसमें दर्ज की गई। और इसके दोस्तों जैसे कल 6 स्टॉक ग्रीन में थे, 6 स्टॉक रेड में थे, आज भी वैसे ही सिनेरियो रहा दोस्तों। अब अगर हम देखें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, तो ये भी दोस्तों फ्लैट क्लोज हुआ, सिर्फ 0.04% की गिरावट के साथ में ये इंडेक्स क्लोज हुआ। इसके 20 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स ग्रीन में थे और 11 स्टॉक दोस्तों रेड में क्लोज हुए। तो दोस्तों चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं निफ्टी 50 के स्पॉट मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो 15,173.3 पे हुई दोस्तों, जो इस डॉटेड लाइन के द्वारा आपके चार्ट पर दर्शाया गया है। दोस्तों आज ये ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि आज बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद में कंटिन्यूअस बाइंग आती हुई नजर आती है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी वैसे मार्जिनली ग्रीन में नजर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दी ओपनिंग प्राइस, बट अगर उसे गौर से देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और फिलहाल दोस्तों निफ्टी कोई करेक्शन करने के भी मूड में नजर नहीं आ रहा है। आपको याद होगा जब कल एनालिसिस की गई थी तो 15,000 के लेवल पर एक इंटरवीनिंग सपोर्ट के बारे में चर्चा की गई थी और इस ट्रेंड लाइन की चर्चा की गई थी, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस के पिवट्स है, रिजेक्शन था। तो ऊपर जाते वक्त दोस्तों जब इसको ये इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है दोस्तों, इस इंपल्सिव वेव के बाद यहाँ पर देखिए केवल एक टाइम करेक्शन जैसा होता हुआ नजर आ रहा है, प्राइस में कोई खास करेक्शन नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को समझें तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव का 127.2% हम बार बार बोलते आ रहे हैं दोस्तों, पहले हम उसे टारगेट के रूप में ले रहे थे 15,050 का लेवल। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग हो रही है तो इसका मतलब 15,000 का लेवल एक इंटरवीनिंग सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। अब दोस्तों अपसाइड में बात करें तो एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस जो है 15,257 है, जहां प्राइस का रिजेक्शन देखा गया था, तो इसे 15,300 पकड़ लेते हैं। और दोस्तों अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव के 161.8% लेवल को देखें तो दोस्तों निफ्टी में क्षमता है 15,550 तक जाने की, तो दोस्तों काफ़ी बुलिश है। तो फिलहाल दोस्तों एक इंटरवीनिंग सपोर्ट की बात करते हैं, जो टू बी वेरी प्रिसाइज 14,977 है, तो दोस्तों वो 15,000 के आसपास हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और संभावनाओं को प्राइस एक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में स्पॉट मार्केट में प्राइस चार्ट को, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 35,752.1 पर। दोस्तों बैंक निफ्टी में
ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रही है अगर इंडेक्स लेवल पे केवल हम वैल्यू को देखें, प्राइस को देखें। लेकिन इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद में बुल्स जो है वो बेयर्स के ऊपर में डोमिनेट करते हैं। एक स्टेज जरूर आया था दोस्तों जब बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया था 35,573 के आसपास और एक स्पिनिंग टॉप का आज फॉर्मेशन हुआ है। और अगर देखें तो अपर शैडो काफ़ी लार्ज है जो इस इम्पॉर्टेंट सप्लाई बैंड से रिजेक्शन दर्शा रही है। तो जहां तक सप्लाई का सवाल है दोस्तों, जो कल चर्चा की गई थी वही अभी भी फिलहाल इंटरमीडिएट टर्म्स में वैलिड है, शॉर्ट टर्म टर्म्स में वैलिड है, जो 36,000 से 36,500 का बैंड है। मल्टीपल रिजेक्शन देख सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो बैंड है इमीडिएटली सप्लाई बैंड के रूप में काम करेगा। अब सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 34,800 से 35,800 का लेवल जो है इसे सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जो थी जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, इसका यहाँ ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद दोस्तों अब ये ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 34,800 35,180 का लेवल, ये रेंज कहाँ से निकल के आई? इसके लिए चलिए आपको लेके चलते हैं अवरली टाइम फ्रेम में ताकि हम प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कर सकें। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है और फिर से यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आ रही है। अपर साइड में देखें तो रेजिस्टेंस 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 है दोस्तों। अब इस इम्पल्सिव वेव को अगर ध्यान से हम देखते हैं दोस्तों और इसका रिट्रेसमेंट अगर हम खींचते हैं तो दोस्तों मैं आपको रिट्रेसमेंट खींच के दिखाता हूँ ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी आ सके। तो ये देखिए मैंने ये लेवल खींचा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 35,180 पर 61.8% रेजिस्टेंस लेवल आता है, जबकि 78.6 पर करीब 34,800 का लेवल आता है। और 34,800 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए पहले रेजिस्टेंस था और यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया कई घंटों तक, तो दोस्तों ये लेवल इस तरह से निकल के आया है जिसकी चर्चा डेली टाइम फ्रेम में की। और यहाँ पर इस सप्लाई बैंड में इंटरवीनिंग ईएमए 55 भी है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों अगर ये 36,500 का बैंड की ब्रेकआउट हुई तो निफ्टी के कहाँ तक जाने की संभावना है, चलिए उसे एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला यात्रा जो निफ्टी तय करेगा वो तय करेगा 37,000 का दोस्तों। तो दोस्तों 37,000 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 37,600 का, तो दोस्तों काफ़ी बुलिश है। तो करेक्शन तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है मार्कअप फेज में। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन में आज कॉन्ट्रैक्ट की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई है, तो आने वाले वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हम रेफर कर रहे हैं जो 18 फरवरी 2021 को एक्सपायर होगा। लेकिन सिंस दोस्तों आज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई है तो एक साइजेबल बिल्टअप समझ में नहीं आएगा जो एक डिसाइसिव हो, तो इसीलिए दोस्तों वीकली मार्केट आउटलुक का जो वीडियो शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजे आएगा उसे देखना नहीं भूलिएगा ताकि हम अपने आप को आने वाले सप्ताह के लिए तैयार कर सकें। तो पुट साइड में अगर हम देखें दोस्तों तो एक साइजेबल बिल्टअप जो है वो यहाँ नज़र आता है और अच्छा खासा एडिशन भी हुआ है इसमें जो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है दोस्तों। और नेक्स्ट साइजेबल जो है यहाँ पर है दोस्तों जो 14,800 का, तो 14,800 से 15,000 का बैंड इंडिकेट कर रहा है कि इमीडिएट टर्म्स में निफ्टी का अच्छा सपोर्ट लेवल है। और दोस्तों आप कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में एक साइजेबल बिल्टअप यहाँ नज़र आ रहा है, अच्छा खासा एडिशन हुआ है जो 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है और वही लेवल प्राइस चार्ट में एक टारगेट के रूप में आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं 15,550 का लेवल दोस्तों। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी में पुट साइड में एक साइजेबल यहाँ पर बिल्टअप नजर आ रहा है जो 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है, और नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर है जो 35,500 पर है, जिसकी चर्चा अभी हमने प्राइस चार्ट पे भी की। तो दोस्तों 35,000 से 35,500 का लेवल एक डिमांड जोन के रूप में निफ्टी में नजर आ रहा है दोस्तों। अगर हम कॉल साइड में देखें तो एक अच्छा खासा बिल्टअप यहाँ नजर आ रहा है जो 36,000 पर एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक अधिक देखें तो एक अच्छा खासा बिल्टअप यहाँ पर भी है जो 37,000 के लेवल पे है। तो जो अवरली चार्ट फ्रेम में हमने फिबोनाची एक्सपांशन खींच के देखा तो ये सारे टारगेट्स के रूप में नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों इसे शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय में मिल सके, और नोटिफिकेशन मिलने से आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस नहीं करेंगे दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।